हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट हेल्प। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट रोल्स ऑफ आईसीटी को एनालाइज करने वाले हैं, या फिर इस तरह से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि क्या आईसीटी एक नॉलेज प्रोवाइडर के तौर पे काम कर सकता है, एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर के तौर पे काम कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको वेरियस फॉर्म्स में मिल सकता है, ये आपको 12 नंबर के एक लॉन्ग आंसर में मिल सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा कि आईसीटी एज ए नॉलेज प्रोवाइडर पर प्रकाश डालिए। इन चीज़ों पर अगर आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है तो वो 6 मार्क्स पर आ जाएगा, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर ऑलमोस्ट हर ईयर हर क्वेश्चन में रिपीट होता है। आप क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखिए तो आपको ये चीज़ वहाँ पे पता चलेगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आईसीटी का फुल फॉर्म, तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही आईसीटी का सवाल आए तो सबसे पहली चीज़ आपको यही लिखनी है कि द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज दिस। इसके बाद आता है कि आईसीटी किस तरह से काम करता है, आईसीटी में क्या क्या चीज़ें हैं, और आईसीटी से अभी भी दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या बेनिफिट्स इससे हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है वो ये है कि ये आईसीटी एक ग्लोबल नॉलेज प्रोवाइडर या फिर ज्ञान विक्रेता के तौर पे काम करता है। अब कैसे करता है, तो जो भी गरीब कंट्री है, जो भी ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे कि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि वहाँ पे स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं है, वहाँ पे पुस्तकें नहीं पहुँची हैं, स्टूडेंट्स जो कि हैं किसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन तक किताब पहुँचाना एक बार में संभव नहीं होगा। लेकिन अगर सबके हाथ में एक टैब दे दिया जाए और इंटरनेट कनेक्शन से वहाँ पे कंटेंट पहुँचा दिया जाए, बड़े आसानी से संभव है कि जो चीज़ हम लोग इंडिया में पढ़ा रहे हैं या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से वो सारा का सारा कंटेंट उस गरीब कंट्री तक पहुँच जाएगा। तो इन दिस वे आईसीटी क्या कर सकता है, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले तो सिंक कॉस्ट है, आपको पहले एक सैटेलाइट चाहिए कि आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स पहुँचे, इसके अलावा आपको ग्राउंड पर रिसीविंग स्टेशन चाहिए, फिर हर इंसान के पास में ऐसे टेक्नोलॉजिकल गैजेट होने चाहिए। मान लो एक टैबलेट ही सबको प्रोवाइड कर रहे हैं तो 10,000 तो मिनिमम लगने, तो 10,000 के आप टैब सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर ऑन द लार्जेस्ट पिटेक्स देखो, या फिर इस तरह देखो कि दुनिया का सारा ज्ञान एक फ़ोन में सिमट जाता है, जैसे मैं इस वीडियो से आपको बता रहा हूँ, तो ये भी आईसीटी का ही एक एग्जांपल है कि आप अपने घर पे बैठ के कहीं पे भी हेडफोन लगा के आप मेरे वीडियोज़ को सुन रहे हैं और उससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो दिस वे आईसीटी आपका हेल्प कर रहा है दूर से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास टैब नहीं है या आपको ये पता नहीं है कि इस चैनल पे ये कंटेंट मिलता है, तो आप वो नहीं देखेंगे, आप अपना फिर उस चीज़ से जो भी बेनिफिट है वो आप नहीं ड्राइव कर सकते। तो ये एक चीज़ है आईसीटी में नॉलेज प्रोवाइडर होने का। एक और बेनिफिट ये है कि दुनिया के जो वास्टेस्ट लाइब्रेरीज है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी सबसे डेवलप्ड कंट्री की भी हो क्यों ना, उसमें भी सारी किताब नहीं मिल सकते, लेकिन इंटरनेट पे आप जितना चीज़ चाहे अपलोड करते चले जाओ, इंटरनेट को कोई दिक्कत नहीं है, वो सेव करते जाएगा। और जिसको व्यू करना है उसको बस एक टैब की ज़रूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, वो खोज के अपने ही सारे कंटेंट को व्यू कर लेगा। तो इन दिस वे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा कैन बी एक्सेस, और इंटरनेट इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर लाइब्रेरीज में जो किताब हैं इनको आप रोज़ अपडेट नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट पे डेटा को आप विद इन द की स्ट्रोक्स, कुछ बार आप कीबोर्ड में कीज दबाइए उसी से डेटा अपडेट हो जाता है। आप रोज़ नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं, फोटोज़, वीडियोज़, इससे क्या होता है कि पढ़ने में आसानी पड़ेगी। अब किताब पढ़िए आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप वीडियो में देखिए उसी चीज़ को, वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल है, किताब आपसे बात नहीं कर सकता लेकिन वीडियो आपसे बात कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। इसके अलावा जैसे ही इंटरनेट पर कोई भी कंटेंट कहीं भी अपलोड किया जाए, मान लो ये वीडियो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ इंडिया में, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ इंडिया में देखा जा सकता है या इसको सिर्फ दिल्ली में देखा जा सकता है, झारखंड में देखा जा सकता है, बिहार में देखा जा सकता है, इसको जो चाहे अमेरिका में देख सकता है, मेक्सिको में देख सकता है, कहीं भी देख सकता है। इन दिस वे कंटेंट का ग्लोबल रीच हो रहा है और ग्लोबली जो भी लोग इसको देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आईसीटी के एज ए नॉलेज प्रोवाइडर, कि पहले तो डेटा सब तक पहुंच सकता है, जो भी लेस प्रिविलेज्ड हैं कंट्रीज़ उन तक डेटा फ्रीली पहुँचाया जा सकता है एंड विद इन सेकेंड्स पहुँचाया जा सकता है। नाउ रिमेंबर कि अगर आपको एक लाइब्रेरी लगानी है तो पहले तो आपको वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना होगा, आपको उसमें ड्रॉयर्स लगाने होंगे, आपको उसमें अलमीराज लगाने होंगे, उसके बाद आप किताब पहुंचाएंगे। तो ये सब एक कंबरसम इशू है। उसका सिंपल एग्जांपल ये है कि आपको अगर एक बिल्डिंग बनानी है, आप देखिए 6 महीने से 1 साल कहीं भी समय लग सकता है, लेकिन किसी को टैब देना है तो 6 मिनट लगेंगे, राइट? तो ये एक एग्जांपल है आईसीटी का एज अ नॉलेज प्रोवाइडर। इसके बाद आता है बात कि क्या आईसीटी एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर का काम कर सकता है। भारत में आपको पता है कोई 40 करोड़ युवा है बेरोजगार। अब ये सिर्फ भारत का आंकड़ा है, पूरी दुनिया का देखोगे तो कोई हो सकता है 1 बिलियन पीपल होंगे, 1 अरब लोग होंगे जो कि अभी भी एम्प्लॉयमेंट से दूर है, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो आईसीटी इस चीज़ को हटा सकता है कि धीरे धीरे अगर सबको टैब चलाना सिखा दिया जाए, वो लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाए, वो लोग डेटा अपलोड करने लगे, या फिर वो लोग जर्नलिस्ट बन जाए, तो आईसीटी उन सबों को नौकरी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा आईसीटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर के फॉर्म में है वो है कॉल सेंटर्स में। आपने देखा होगा जो लोग कॉल सेंटर में काम करने जाते हैं वो लोग लेट नाइट काम शुरू करते हैं 12 बजे के आसपास, एंड दे कम आउट ऑफ द वर्किंग आवर्स कोई सुबह 8 बजे।
तो ये लोग करते क्या है वहाँ पे, ये लोग जो भी ओवरसीज, मान लो अमेरिका में कोई डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, या उसी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसको हिंदी में या बंगला में या उड़िया मराठी किसी भी ऐसी लैंग्वेज में जो कि इंडिया में बोली जाती है उसमें इसको ये लोग ट्रांसलेट करेंगे, और इसी ट्रांसलेशन के इसको इन लोगों को पैसे मिलते हैं। तो ये जो कि चीज़ है, ये अगेन अगर ये आपके पास में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो ये हो नहीं सकता है। तो अगेन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, कहीं पे किसी को जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है, फर्दर वहाँ के जो कि डॉक्टर है अगर क्वालिफाइड है, आपको उनका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जा रहा है और अपने भाषा में मिल रहा है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ICT के। इसके अलावा ICT एक एजुकेशन प्रोवाइडर के फॉर्म में काम कर सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो ये कैसे करता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लर्नर्स को डेली बेसिस पे इसमें कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, आपके घर पे आपका कंटेंट पहुंच सकता है। इग्नू में भी यही चीज़ होता है कि आपका बुक्स आपके घर पहुंच जाता है, आप चाहे क्लास करें या ना करें, अब हमारा चैनल है तो आप यहाँ से भी कुछ कंटेंट देख सकते हैं। तो इसी तरह अन्य भी चीज़ें होंगी, ब्लॉग्स होंगे जहाँ से आप कंटेंट देख रहे हैं। तो ये सब कैसे वर्क कर रहा है ICT के फॉर्म में, इसमें कोर्सेज जो भी हैं ये सारे के सारे इंटरनेट पर डाल दिए जाते हैं, और जो भी लर्नर्स हैं उनके पास उस साइट का एक्सेस है, जैसे आप लोगों के पास में, आप लोग को बस यूट्यूब पे आके स्टूडेंट हेल्प को सर्च करना है और आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। इसी तरह स्टडी करेंगे आप कोर्सेज को तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। वीडियो में जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, अगर फिर भी कुछ रहता तो जैसा मैं कहता हूँ कमेंट करो। तो देखो बिल्कुल लाइवली एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूँ कि चीज़ें याद हो जाएँ। इसके बाद है प्रोवाइडिंग लेटेस्ट कंटेंट, कि रोज़ दिन मैं अगर चाहूँ तो कंटेंट को अपडेट करता चला जाऊँगा, जो भी नई चीज़ ऐड हो रही है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन बुक में यही चीज़ करना है हर दिन के बेसिस पे कतई संभव नहीं है, क्योंकि किताब पहले छपेगा उसके बाद आप तक पहुँचेगा, फिर कोई नया कंटेंट आया फिर अपडेट करो, तो ये बहुत झंझट का काम है। इसके अलावा ICT का एक और चीज़ यह है कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, आपको वहाँ का टीचर पसंद नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपने एडमिशन ले लिया आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ICT की मदद से क्या है कि हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, वो अपना चैनल स्टार्ट कर सकता है, वो अपना कंटेंट डाल सकता है, जिसको पसंद आता है वो देखेगा, जिसको नहीं आता है वो नहीं देखेगा। इन दिस सेंस आपके पास में एक चॉइस है कि जो भी क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी एजुकेशन है, हम वहीं पर जाएंगे उसी से पढ़ेंगे। तो इन दिस वे अगेन स्टूडेंट का ही गेन है, एंड ICT एक नॉलेज प्रोवाइडर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कैंपस बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कैंपस में जाना है वहाँ पे रहना है, आप घर बैठे भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहें आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही पढ़ना है, कि स्कूल लगता है 8 से 10 या फिर 8 से 4 तो हमको तभी पढ़ना है, हम घर पर जब चाहें, हमको रात में पढ़ने का मन करता है हम रात में पढ़ना चाहते हैं तो रात को तो आपके लिए स्कूल नहीं खुलेगा, लेकिन यूट्यूब रात में खोलो दिन में खोलो 4 बजे के बाद खोलो कभी भी खोलो खुलेगा। तो अगेन आपके हाथ में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फर्दर जो लोग की काम करते हुए पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनको काम करते हुए पढ़ने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि आपको क्लास अटेंड करना है, लेकिन इग्नू इस चीज़ की अवेलेबिलिटी देता है। इसी तरह ICT अवेलेबिलिटी देता है कि आप घर पे जब चाहे कंटेंट को व्यू कर लो पढ़ लो। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल चुके होंगे अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और अगर नहीं लिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, नीचे ब्लॉग में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको एक ब्लॉग का लिंक मिलेगा, वहाँ पे यही नोट्स प्रोवाइडेड है, और अगर आप चाहें तो हिंदी में भी वहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।